हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में आगे की क्लास को अटेंड करने जा रहे हैं, बट हमारा टॉपिक अभी भी यही है, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। दोस्तों आप सभी कहेंगे कि सर कितने दिन से आप ये टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या करें दोस्तों, ये एक ऐसी टॉपिक है जो पूरी यूट्यूब पर आपको खोजने के दौरान नहीं मिलने वाली है। होता क्या है, अच्छा आप कोचिंग में भी अगर सोचेंगे कि इस टॉपिक के बारे में आपको बढ़िया से कोई क्लास नोट्स दिया गया होगा या फिर पढ़ाया गया होगा, तो ऐसा भी नहीं है। बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि कोई टीचर इतने डिटेल में जाकर के पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को पढ़ाता है। देखिए होता क्या है ना, टीचर को जहां पर इंटरेस्ट होता है वो उस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करता है, और जो जिस टॉपिक पर उसका इंटरेस्ट नहीं रहता है उसको वो कम पढ़ाना चाहता है। ठीक है, तो आप मान के चलो कि जो पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास वाली टॉपिक है ये एक ऐसी ही टॉपिक है जिससे लगभग हर टीचर बचना चाहता है। ठीक है, और इस पे सिंपल सा काम क्या किया जाता है, आपको बता दिया जाता है कि यहां से देखो ऐसा है कि आपके एग्जाम में कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये क्लास नोट्स ले लो, एक बढ़िया सा आपको पीडीएफ फॉर्मेट में या तो पीडीएफ दे दिया जाता है या कोई क्लास नोट्स दे दिया जाता है 4-6 पेजों का, जिसपे इसके बारे में डिटेल से लिखा होता है। ठीक है, आप उस पेज को लेते हो, लेके घर चले आते हो, और फिर वो पेज क्या होता है, एज इट इज रखा रहता है, आप कभी उसको पढ़ना भी नहीं चाहते। क्यों? अरे जब आपके टीचर ने आपको नहीं पढ़ाया तो आप अकेले कहां से पढ़ोगे। लेकिन मेरा तो फर्ज बनता है, मैं तो कोई टॉपिक छोड़ने वाला नहीं हूं। जैसे हिस्ट्री मैंने कवर किया ना, और भी सब्जेक्ट जैसे कवर किए, तो आपको पता होगा कि मैं किसी भी टॉपिक को छोड़ता नहीं हूं। अगर मेरे ध्यान से उतर गया है तो बाद में जरूर पढ़ा दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी टॉपिक को क्या कर दूं, छोड़ दूं। तो ये टॉपिक भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं अपनी रफ्तार से हर एक बातों को आपको बताऊंगा, चाहे आपके काम की हो बात, चाहे आपके काम की ना हो। क्यों? क्योंकि दोस्तों जिस समय कंपटीशन का लेवल हाई होगा ना, उस समय आपको लगेगा कि हमको यह भी पढ़ना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यह ऐसा चैप्टर बन जाएगा जिससे क्वेश्चन बनेगा और आप लोग कर नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं आज भी समझा रहा हूं दोस्तों कि इस टॉपिक को हल्के में मत लीजिए, आराम से पढ़ते चलिए। एक बार रिवाइज करा दूं क्या, कि पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में हम लोगों ने कुछ 5 पार्ट जो है डिसाइड किया था कि 5 पार्ट में हमको चीजों को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोगों ने लिया था प्री पैलियोजोइक, क्या लिया था, प्री पैलियोजोइक इरा। ठीक है, प्री पैलियोजोइक इरा। ठीक है, ये आपका पहला था। दूसरा था दोस्तों आपका पैलियोजोइक। ठीक है, प्री पैलियोजोइक के बाद पैलियोजोइक हो गया, पैलियोजोइक इरा हो गया, इरा की बात कर रहा हूं। तीसरे में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा मीसोजोइक, ठीक है, जिसमें मध्यजीवी पढ़ते थे ना, मीसोजोइक इरा के बारे में पढ़ा। इरा यानी वही पीरियड सब चल रहा है, अब इरा के अंदर ही चल रहा है। ठीक है, तो मीसोजोइक। आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे इस चौथे वाले टाइप को जिसका नाम है सीनोजोइक। क्या नाम है इसका, नाम है सीनोजोइक। इसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और अगले दिन दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे नियोजोइक के बारे में। ठीक है, नियोजोइक जो कि सबसे नूतन है उसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो नियोजोइक हम लोगों को पढ़ना बाकी है। आज मैं आपको पढ़ा के कंप्लीट कराऊंगा इस सीनोजोइक पीरियड को। दोस्तों हम लोगों ने बात किया था कि कास्ते द वफन ने सबसे पहले कालखंड को बांटा, ईरा एपोच और पीरियड में बांटा था। एरा में कुल 5 एरा आते हैं जिसका नाम है प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सेनोजोइक, नियोजोइक। ठीक है, ये 5 आते हैं और इसके अंदर में अलग अलग पीरियड बना था। ठीक है, अलग अलग पीरियड को भी हम लोगों ने देखा, बहुत सारे पीरियड थे। पहले वाले में 2 पीरियड मैंने आपको बताया था, एक था आर्कियन, दूसरा था प्रीक्रैम्बियन। फिर पैलियोजोइक में मैंने आपको टोटल 6 बताए थे, फिर मीसोजोइक में इसी तरह से 5 बताए, और आज दोस्तों 3 बताए। ठीक है, ट्रियासिक वगैरह आया था ना, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, ये 3 आया था इसमें। और आज हम लोगों को कंप्लीट करना है सीनोजोइक के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, सीनोजोइक एरा के बारे में पढ़ना है, पीरियड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये समय है, और यहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा कुल 5 पार्ट। कितना पढ़ाऊंगा दोस्तों, यहां पर भी आपको कितने पार्ट में कवर करना है चीजों को, 5 पार्ट में कवर करना है। सबसे पहला होता है, देखिए यहां पर पैलियोजोइक था ना, यहां पर भी पैलियोजोइक है। क्या है, यहां पर भी पैलियोजोइक है दोस्तों, आप फ्यूज मत होएगा। ठीक है, ये वाला पैलियोजोइक जो था वो इरा था, क्या था, इरा था, जबकि ये वाला जो पैलियोजोइक है ये क्या, ये पीरियड है। ये याद रखिए, सीनोजोइक के अंडर में जो पहला कालखंड था उसका नाम भी क्या था, पैलियोजोइक था, और ये पैलियोजोइक है। तो पैलियोजोइक और पैलियोजोइक में आप कंफ्यूज मत होएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचो ना कि यहां से कितने ऊपर जाओगे, मतलब कितने, हमको तो लगता है कई मिलियन वर्ष पहले जाओगे, तब आपको
मुलाकात होगा पैलियोजोइक पीरियड से, ठीक है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, सीनोजोइक के अंडर में जो पहला पार्ट है वो है पैलियोजोइक, ठीक है। पैलियोजोइक मत बोलिए, इसको पैलियोसीन बोलिए, ठीक है। जोइक मत लगाइए, देखिए गलती हो गया मुझसे, ठीक है। यहां पर आपको क्या लगाना चाहिए, यहां पर नाम है एक्चुअली इसका पैलियोसीन, ठीक है, पैलियोसीन। और यही अंतर है, यहां पर देखिए पैलियोजोइक था और यहां पर क्या है, पैलियोसीन है। ये सीन शब्द लग गया, इस वजह से आपको याद रखना है कि ये वाली टॉपिक कहां है, ये सीनोजोइक के अंडर में है, ठीक है। दूसरा है दोस्तों, यहीं पर पढ़ना आपको ईओसीन के बारे में, ठीक है। तो पैलियोसीन हो गया, ईओसीन होगा। तीसरा है दोस्तों ओलिगोसीन, क्या है, ओलिगोसीन, ठीक है, ओलिगोसीन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पैलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, ठीक है, मायोसीन और ये हो गया आपका प्लायो, प्लायोसीन, ठीक है, मायोसीन और प्लायोसीन। तो ये नंबर एक हो गया, ये वाला नंबर दो हो गया, ये वाला नंबर तीन हो गया, ये वाला नंबर चार हो गया और ये वाला नंबर पांच हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टोटल पांच पार्ट में पढ़ना है सीनोजोइक एरा को, ठीक है। याद रखिए सीनोजोइक एरा, और यहां पर बटा क्या है, सब में सीन 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 है, एक कॉमन शब्द याद रखिएगा, ठीक है। पैलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। तो आगे बढ़ू अपने टॉपिक को लेकर के और फटाफट पढ़ाता हूं। ये वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर हम कंपेयर करें दोस्तों सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इसी टॉपिक से आता है, ठीक है। ये सीनोजोइक पीरियड और नियोजोइक पीरियड से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए फटाफट अपने टॉपिक को शुरू करते हैं और एक एक करके हम लोग कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। तो सीनोजोइक के अंडर में दोस्तों सबसे पहला टॉपिक कौन सा है, पैलियोसीन है। तो यहां पर पैलियोसीन में नोट कर देता हूं और इसके बारे में आपको बताता हूं, ठीक है। पैलियो, ठीक है, पैलियो कहिए या पैलियो कहिए, पैलियोसीन याद रखिएगा, सीन शब्द मत भूलेगा, अदरवाइज कंफ्यूजन में हो जाएंगे आप और फिर कहां पहुंच जाएंगे, एरा में पहुंच जाएंगे, ठीक है। पैलियोसीन जो पीरियड है दोस्तों, इसमें ज्यादा नहीं, सिर्फ दो बातें आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो याद रखना है कि उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया इसी काल में शुरू हुआ था। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सा बात, तो यहां पर आप नोट करिएगा कि उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, अमेरिका में कौन सा पर्वत, वहां पर कौन सा पर्वत है, सबसे बड़े पर्वत का नाम वहां पर राकी पर्वत, ठीक है। इसी तरह से दक्षिणी अमेरिका में कौन सा पर्वत है, एंडीज पर्वत है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप पैलियोसीन में याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछता है कि उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत का निर्माण की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुई, किस पीरियड में शुरू हुई, आप बताइए कि इसके निर्माण की प्रक्रिया पैलियोसीन में शुरू हुई थी और किस हलचल के कारण, तो भी बताइएगा लैरामाइड हलचल, कौन सा, लैरा माइड हलचल। हलचल वैसे आपसे पूछता नहीं है बट यहां पे नोट कर दो, ठीक है। हलचल माने तो आप समझ ही गए होंगे, ये जो प्लेटों की हलचल होती है, भूगर्भिक घटनाएं जो घटती हैं वो उसी को हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा लैरामाइड हलचल, ठीक है, लैरामाइड हलचल, ये पॉइंट नंबर वन हो गया, ठीक है। पॉइंट नंबर टू में दोस्तों नोट करिएगा, इसको एज ऑफ मैमल्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एज ऑफ मैमल्स कहा जाता है। दोस्तों ये मैमल क्या होता है, अरे मैमल माने होता है अस्तनधारी, क्या होता है, अस्तनधारी, ठीक है, यानी अस्तनधारियों का काल किसे कहते हैं, तो पैलियोसीन पीरियड को अस्तनधारियों का काल कहा जाता है, एज ऑफ मैमल्स कहा जाता है, ठीक है। और ये वही समय है जिस समय पूंछ वाले बंदर, ठीक है, पूंछ विहीन, पूंछ वाले नहीं, अभी बंदर, अच्छा देखिए शुरुआत में जो बंदर आए थे वो पूंछ विहीन थे, बाद के जो बंदर आए उनके पास क्या हो गया, उनके पास जो है पूंछ भी हो गई, ठीक है। तो पहले पूंछहीन बंदर हुआ करते थे, एकदम शुरुआत की बात कर रहा हूं, एकदम स्टार्टिंग की। अभी अभी आपको यह समझना है, हम जो मानव का जो पूर्वज मानते हैं होमो सेपियंस वगैरह, अभी उनका कालखंड नहीं आया, अभी उनका कालखंड नहीं, अभी पहला बंदर बना है या आप कह सकते हैं पहला कपि आया है हमारे सामने, ठीक है। तो इसी में याद रखिए पूंछहीन बंदर, पूंछहीन बंदर जो है इस समय पाए जाते थे, ये पॉइंट भी आप याद रखेगा। तो बेसिकली पैलियोसीन से संबंधित दो ही चीजें आपसे पूछता है, एक तो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत का निर्माण किस कालखंड में हुआ है, तो आप बताइए पैलियोसीन में, और किस हलचल के कारण, लैरामाइड हलचल के कारण। दूसरा पॉइंट है एज ऑफ मैमल्स किसे कहा जाता है, अस्तनधारियों का काल किसे कहा जाता है, तो वहां पर भी बताइए कि पैलियोसीन को कहा जाता है, पूंछहीन बंदर भी इसी समय पाए जाते थे, ये हो गया पैलियोसीन। पैलियोसीन के बाद दूसरा पॉइंट कौन आता है, ईओसीन आता है, ठीक है। तो हम लोग अगला पॉइंट नोट करते हैं, ईओसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, कठिन नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए यहां पर ईओसीन आ गया, ठीक है,
ईओसीन। अब दोस्तों याद रखिए ईओसीन में क्या क्या घटना घटी, ठीक है। पैलियोसीन तो हम लोगों ने देख लिया, दो चीजें क्या क्या, एजैप मैमल्स हो गया, रॉकी पर्वत का निर्माण हो गया। और ईओसीन में दोस्तों सिर्फ थोड़ी सी बात आपको याद रखना है कि ईओसीन पीरियड में जो भूगर्भिक दरारें थी वो दरारें ज्यादा हो गई, और दरार जब अपने आप होगी। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों कि अगर दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हो, इसका मतलब है दोनों में गति कौन सी हो रही है, यहां पर अपसारी गति हो रही है। और अपसारी गति यदि हो रही है तो अंदर से पृथ्वी का जो लावा है वो आके यहां पे जम जाएगा, और हम लोगों ने पढ़ा था इसी से पठारों का निर्माण होता है, ये मैं आपको पढ़ाया था, याद आ रहा है। तो याद रखिए ईओसीन पीरियड में ज्वालामुखी लावा दरारी उद्भेदन एक मिनट रुके, मार्कर नहीं चल रहा है, चेंज कर लिया जाता है। तो दरारी उद्भेदन से, ठीक है, उद्भेदन से बाहर आया, ठीक है। अब बाहर आएगा तो जाहिर सी बात है बाहर होने के बाद ठंडा होगा, और ठंडा होने के बाद पठारों का निर्माण होगा। देखिए दोस्तों, इसके पहले पैलियोसीन में हम लोगों ने देखा कि पर्वत निर्माण हो रहा था, और यहां पे हम लोगों ने देखा कि पठारों का निर्माण हो रहा है, ठीक है। कैसे, तो ज्वालामुखी लावा दरारी उद्भेदन से खुद ब खुद बाहर आ रहा है, किसी को तोड़ करके बाहर नहीं आ रहा है, प्लेटें खिसक जा रही, अंदर से मैग्मा बाहर आकर के लावा के रूप में जम जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, अगर अंदर से मैग्मा निकल करके आके यहां पे जमने लगे तो आसपास में टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, जो गर्मी होगी वो बढ़ जाएगा, जो तापमान होगा वो बढ़ जाएगा। दोस्तों वहां पे जो जीव होंगे, जो रेंगने वाले जीव होंगे, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि रेंगने वाले जीवों का काल था रेप्टाइल्स, एज ऑफ रेप्टाइल्स, ठीक है, और बहुत सारे थे। तो ये बताइए रेंगने वाले जीव क्या होंगे, अगर ये लावा इनके पास तक जाएगा तब तो खत्म हो जाएंगे। अभी मैं आपको बताऊं, सपोज करो सर्प है, ठीक है। अब सर्प क्या करता है, बिल बना करके जमीन में रहता है, और वहां अगर लावा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बिल के अंदर भी लावा चला जाएगा और सर्प क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से एक पॉइंट यहां पर याद रखेंगे, ईओसीन में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर क्या हुआ, यहां पर रेंगने वाले जीव विलुप्त होने लगे, रेंगने वाले जीव विलुप्त होने लगे। अगर कोई आपसे पूछे दोस्तों कि रेंगने वाले जीव विलुप्त क्यों हो रहे थे, तो इसका उत्तर क्या बताएंगे, बताइए क्या वजह है कि रेंगने वाले जीव विलुप्त हो रहे थे। अरे ये जो सरफेस था यहां का, वहां का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा था, जो जगह जगह से दरारी उद्भेदन के माध्यम से, अरे भाई पठार ऐसा थोड़े होता है, इतना बड़ा पठार होता है क्या, अरे पठार जो होते हैं, दक्कन का पठार कितना बड़ा है बताओ, छोटा नागपुर का पठार कितना बड़ा है, मालवा का पठार कितना बड़ा है, ये पठार छोटा सा थोड़ा होता है कि आधा किलोमीटर का, एक किलोमीटर का, दो किलोमीटर का पठार है, चलो वहां जो जीव थे मर गए। अरे ये तो 1500 किलोमीटर में होते हैं ना, अभी कोई जीव भागेगा तो कहां भागेगा बताओ, भाग पाएगा वो, नहीं भाग पाएगा वो, मर ही जाएगा। इसी वजह से कहा गया कि रेंगने वाले जीव यहां पर विलुप्त होने लगे, खास करके कौन से काल में, ईओसीन पीरियड में, ठीक है। हमने फिर से रिवाइज करा रहा हूं, पैलियोसीन में मैंने आपको बताया कि लैरिमाइड हलचल की वजह से उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत का निर्माण हुआ, एज ऑफ मैमल्स कहा जाता है पैलियोसीन को, क्योंकि उसी समय मैमल्स का काल कहा जाता है, स्तनधारियों का काल, और पुच्छहीन बंदरों का समय भी क्या है, पैलियोसीन है। दूसरा टाइम पीरियड क्या था, हमने पढ़ा ईओसीन के बारे में, ईओसीन में क्या बताया कि ज्वालामुखी के जो लावा थे वो दरारी उद्भेदन से बाहर आए, जिसकी वजह से जो रेंगने वाले जीव थे वो विलुप्त होने लगे, ठीक है। इतना पॉइंट्स आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर रेंगने वाले विलुप्त होने लगे तो कोई पैदा भी हुआ होगा, ठीक है। ऐसे जीव आए दोस्तों जिनके पास खुर था, क्या था, खुर। खुर माने क्या होता है, अरे मोटे मोटे चमड़े वाले पैर थे, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनको इस लावा से, टेम्परेचर से बचना था, समझ रहे हैं। आप एक बात को समझिए कि अगर हम बात करें ऊंट की, तो ऊंट का जो पंजा होता है, उसके पंजे की जो चौड़ाई होती है वो मान लो ज्यादा होती है अपनी जगह है, उसका पंजा दोस्तों समझ लो उसमें ऐसा टेम्परेचर सहने की आदत होती है, ठीक है। आप ऐसे समझो जो ऊंट होते हैं ये रेगिस्तान में जहाज कह जाते हैं, तो रेगिस्तान में दौड़ते हैं, ठीक है। अब रेगिस्तान में गर्मी के समय में सोचो बालू कितना गर्म हो जाता होगा, अगर आपको बिना जूते चप्पल के वहां छोड़ दिया जाए आप नहीं सस्टेन कर पाओगे, ऊंट सस्टेन कर लेता है, क्यों, क्योंकि उसका पंजा क्या है, मोटा है, उसका पंजे का जो परत है वो बहुत मोटी है, वो उस टेम्परेचर को एडॉप्ट कर लेती है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहां याद रखिएगा रेंगने वाले जीवों के स्थान पर
ऐसे जीवों का विकास हुआ जिनके पैरों में खुर था। क्या था? खुर वाले जीव आए, ठीक है, खुर वाले जीवों का विकास हुआ। क्यों हुआ? सबके पीछे आप वजह जानिए, अगर आप वजह को पढ़ेंगे, कारण समझेंगे, आपको हमेशा चीजें याद रहेंगी, और कारण अगर नहीं समझेंगे तो दिक्कत में फंस जाएंगे, ठीक है। अच्छा, बंदर का क्या हुआ? जो बंदर वहां पे था, पुचेन बंदर, वो बंदर अब गिबन नाम के बंदरों का दोस्तों यहां पर वर्णन मिलता है। गिब्बन बंदर, कौन सा गिब्बन बंदर? अभी भी होमो सेपियंस वाला समय नहीं आया, ठीक है। अभी बंदर में कौन सा आया है? गिब्बन बंदर आया। इसके अलावा हाथी, सुअर, गैंडा, इन सब के पूर्वज जो थे उनका समय कहा जाता है इस ईओसीन पीरियड को, ठीक है। तो यहां पर गिब्बन हो गया, यहां पर हाथी हो गया, यहां पर सुअर हो गया, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, हाथी, सुअर, घोड़ा हो गया, ठीक है। इन सब के पूर्वजों का, गैंडा हो गया, इन सब के पूर्वजों का काल कहा जाता है ईओसीन को। इतनी बात अगर ईओसीन में आप याद रखो तो आपके लिए पर्याप्त है, इससे ज्यादा बात आपको याद रखने की जरूरत नहीं। लिमिटेड पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, इतना ही कहां कम है कि आपको पढ़ाया जा रहा है चैप्टर, ठीक है। ऐसे टॉपिक जो आपको नहीं पढ़ाए जाते हैं कभी भी, वो अगर आपको पढ़ाया जा रहा है तो अच्छा है। समझ में आ गई इतनी बातें? तो दो तीन बातें आप यहां पे याद रख लो। ईओसीन के बाद कौन सा समय आता है? ओलिगोसीन का आता है। सबसे बड़ी बात तो यही है यार कि इसको याद कैसे किया जाए। अरे बार बार बोलो, पता मुझे भी नहीं याद होता था। आपको क्या लगता मैं कोई कंप्यूटर और रोबोट थोड़ी, मुझे सारी बातें याद रहेंगी? होता क्या है ना कि जब आप बार बार बोलोगे कोई चीज नहीं आ रहा, जैसे मैंने क्या किया ना, प्री पैलियोजोइक को कम से कम 50 बार बोला लगातार, ठीक है। प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, उसके बाद नियोजोइक, फिर बोला प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, नियोजोइक। अभी क्या एकदम मतलब आंख बंद करके अगर मैं सोया रहूं कोई पूछ देगा तो भी मैं बोल दूंगा, ठीक है, याद हो गया। अभी यहां पे क्या है? यहां पे भी कुछ नहीं है, हर जगह सीन लगाना है। पहले बोला पैलियोसीन, वही पैलियोजोइक से बना लिया, ठीक है। पैलियोजोइक जैसे वहां शुरू हुआ था वैसे यहां पर पैलियोसीन आ गया। मैंने बोला पैलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन, प्लायोसीन, मायोसीन, ठीक है। लास्ट में मम्मी है मायोसीन, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, मायो प्लायो है लास्ट में, प्लायो मायो नहीं, मायो उसके ठीक पहले है, ठीक है। तो ऐसे करके जब बार बार बोलेंगे कंफ्यूजन नहीं होगा। ये कोई ट्रिक नहीं याद करने का, ठीक है। ये आपको देखिए, दिमाग तो इतना तेज होना चाहिए ना कि याद कर ले जाएं, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ाई करने आए हैं और इतना पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कुछ बनना चाहते हो अपनी जिंदगी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओलिगोसीन पे आते हैं, ठीक है। ओलिगोसीन, अभी देखो ओलिगोसीन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई। अभी हमने दो पढ़ चुका, मैंने आपको पढ़ा है पैलियोसीन के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि रॉकी पर्वत का निर्माण हुआ लैरामाइड हलचल की वजह से, और क्या हुआ, स्तनधारी जीवों का काल कहा जाता है, एज ऑफ मैमल्स कहा जाता है, पुछेन बंदर आए। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों किसके बारे में, ईओसीन के बारे में, जहां मैंने आपको बताया कि ज्वालामुखी लावा जो था वो दरारी उद्भेदन से बाहर आया, रेंगने वाले जीव मर गए और जिनके पास खुर था वो जीव आ गए, हाथी, गंडा, सुअर आ गए, ठीक है। ये सारा हो गया, अब हमको पढ़ना ओलिगोसीन के बारे में, ठीक है। ओलिगोसीन में क्या होता है, यहां पर इसको पर्वत निर्माण प्रक्रिया का काल कहा जाता है, और अल्पाइन पर्वत का नाम, सॉरी हां, अल्पाइन पर्वत का नाम आपने सुना होगा, अल्पाइन पर्वत निर्माण, अल्पस सुना होगा, अल्पाइन नहीं, ठीक है। तो यहां याद रखिएगा, अल्पाइन पर्वत निर्माण प्रक्रिया यहां पर शुरू हुई, ठीक है। अल्पाइन पर्वत निर्माण प्रक्रिया, पर्वत निर्माण प्रक्रिया, आप देखिए पर्वत निर्माण प्रक्रिया में आपको पता है कि वलन की क्रिया होती, ठीक है, और वलन की क्रिया से ही पर्वत बनते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। और यहां पर जो छोटे जीव जंतु थे दोस्तों वो हमारे सामने है। अब छोटे जीव जंतु कौन कौन से, जैसे अगर हम बात कर लें कुत्ता की, जैसे हम बात कर लें बिल्ली की, ठीक है, जैसे मैं बात कर लूं गाय वगैरह की, तो इन सारे जो छोटे पालतू जीव होते हैं उनका विकास होता है ओलिगोसीन में, और अल्पाइन पर्वत प्रक्रिया शुरू होती है। ये खास करके यूरोप में, कहां पर के, खास कि यूरोप और एशिया, एशिया को भी इसमें ले लीजिए, यूरोप और एशिया में खास करके अल्पाइन पर्वत निर्माण प्रक्रिया शुरू होती है। और इसी पर्वत निर्माण प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, भारत में भी एक होता है, आपने नाम सुना होगा, हिमालय पर्वत तीन चार हिस्से में बटा हुआ है, बृहत निर्माण का, बृहत हिमालय का नाम सुना होगा, ट्रांस हिमालय का नाम सुना होगा, ठीक है। तो वहां पर याद रखिएगा बृहत हिमालय, बृहत हिमालय यहां पर दोस्तों वलन की प्रक्रिया से बृहत हिमालय का निर्माण हुआ। आगे भी आपको और अच्छे से पढ़ाऊंगा, अभी आप इतना पढ़ते चलो, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दो तीन बातें याद रखिए। ओलिगोसीन जो पीरियड है ये बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा है, बस पालतू जीव जंतु आ गए और अल्पाइन पर्वत निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई। यूरोप और एशिया में जगह जगह वलन बनने शुरू हो गए, वलन, जब वलन बनेगा वही आगे चल के पर्वत का रूप धारण करेगा, और उसी के तहत भारत में बृहद हिमालय का निर्माण माना जाता है, ठीक है। अच्छा ये कंप्लीट हो गया, अब हम लोग पढ़ते हैं मायोसीन के बारे में, ठीक है। मायोसीन में देख लीजिए क्या क्या होता है। चलिए
मायोसीन, तीन हो गया, अभी रिवाइज करा दूंगा, घबराइए मत। चौथा में लिखिएगा मायो, पांचवे में प्लायो, ठीक है, मायोसीन, ठीक है। अब ये मायोसीन में दोस्तों क्या क्या पढ़ना है, देखिए जो पर्वत निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई थी अल्पाइन पर्वत निर्माण प्रक्रिया से, वो प्रक्रिया और बढ़ी, और बढ़ेगी तो क्या होगा, पूरे यूरोप में, भाई यूरोप कोई छोटा सा देश नहीं है, यूरोप क्या एक महाद्वीप का नाम है, और एशिया भी एक महाद्वीप का नाम है, अगर इन, वैसे भी एशिया पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कहा जाता है, अगर उसके साथ आप यूरोप की भी जोड़ दो तो सोचो कितना बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। और इस पूरे महाद्वीप पे जितने भी पर्वत हैं, जितने पर्वत हैं आप देख रहे हैं, उसमें से अधिकतम, अधिकतम मतलब मान के चलो ना, कम से कम 75% से लेकर के 80% तक पर्वत जो हैं, वो दोस्तों उन पर्वतों का निर्माण आपके सीनोजोइक एरा में ही हुआ है, ठीक है, सीनोजोइक एरा में। हाँ, ये अलग बात है कि सीनोजोइक एरा में कुल 5 पीरियड थे, उनमें अलग-अलग समय में विस्तार हुआ है, लेकिन हुआ विस्तार इसी में है, ठीक है। ज्यादातर पर्वतों का निर्माण जो है सीनोजोइक एरा में माना जाता है, ठीक है, इसीलिए सीनोजोइक एरा को दोस्तों पर्वत निर्माण का काल कहा जाता है। यह वह काल है जिस समय पर्वतों का निर्माण हुआ। आज जो पर्वत आप देखते हो, जगह जगह जाते हो देखते हो पर्वत, वो पर्वतों का निर्माण सभी किस काल में हुआ है, वो सीनोजोइक काल में ही हुआ है, ठीक है। सीनोजोइक अगले 5 पार्टों में बटा था तो वो अलग बात है, ठीक है। तो यहां वलन की प्रक्रिया और बढ़ी, और उस वलन की प्रक्रिया से पूरे यूरोप और एशिया पर जगह जगह पर, ठीक, कहीं चाइना पर, कहीं फ्रांस में, कहीं जर्मनी में, कहीं मतलब अलग अलग जगहों पर पर्वत निर्माण हुए। तो ये बात आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। वही अल्पाइन वाला ही चलेगा, दोनों में अल्पाइन पर्वत निर्माण प्रक्रिया थी वही चलेगी, ठीक है, अल्पाइन पर्वत निर्माण प्रक्रिया, ठीक है। इसी के तहत दोस्तों बहुत सारे पर्वतों का विकास हुआ। हाँ, हम लोगों ने देखा दोस्तों कि इसके पहले ओलिगोसीन वाले में हमने देखा बृहद हिमालय का निर्माण हुआ, और मायोसीन में दोस्तों यहां पर मध्य या लघु हिमालय का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, मध्य या लघु हिमालय। दोस्तों अभी हिमालय के बारे में अच्छा आपको पढ़ा देता हूं अलग से, ठीक है, गबड़ाई मत, अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एक और पढ़ा दूं प्लायोसीन, फिर स्पेशली हिमालय के बारे में आपको कुछ बातें बताता हूं जो किताबों में आपको लिखा हुआ नहीं मिलता है, ठीक है। तो मायोसीन में दोस्तों आप इतनी बातें याद रखिएगा। अच्छा, हम लोग कभी से जीव जंतुओं की बात नहीं कर रहे हैं, क्या जीव जंतुओं में इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, चेंजिंग हुआ ना दोस्तों। इसके पहले वाले में हमने पढ़ा ओलिगोसीन में देखा, हमने देखा कि पालतू जीव जंतु आए, जैसे भालू आ गया, कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गया, ठीक है। और ये मायोसीन में जोन है, मायोसीन मतलब मस्त 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 जो जल में तैरने वाले जीव होते हैं वो यहां पर आ गए, जैसे कौन से दोस्तों, जैसे यहां पर बत्तख, बत्तख का प्रमाण यहां से मिलता है, बत्तखों का आगमन का जो समय है वो कौन सा है, मायोसीन, ठीक है। इसके अलावा बकुला वगैरह का नाम सुना होगा, ठीक है, बत्तख हो गया, बकुला हो गया, ठीक है, पानी में जो तैरने वाले हो गए, हंस हो गया, ठीक है, अब तो हंस वगैरह बहुत कम दिखते हैं, ठीक है। ये सभी जीव जो है दोस्तों ये मायोसीन पीरियड से हमारे सामने है, तो इतनी बातें कम से कम यहां पर याद रखिएगा। अगला दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं प्लायो सीन के बारे में, मायो खत्म हो गया, प्लायो भी पढ़ लीजिए, ज्यादा नहीं है, एक क्लास इस पे और लगेगी अगली क्लास, जिसमें मैं आपको नियोजोइक के बारे में पढ़ा दूंगा, फिर कंप्लीट खत्म हो जाएगा आराम से, ठीक है। पांचवा यहां पे नोट करिएगा, प्लायोसीन, प्लायोसीन, ठीक है, प्लायोसीन। अच्छा, प्लायोसीन में दोस्तों क्या हुआ, ये आखिरी समय है सीनोजोइक एरा का। अच्छा, एक चीज तो बताना मैं भूल ही गया, सीनोजोइक एरा को दोस्तों तृतीय काल कहा जाता है, वहीं से तृतीय युग की शुरुआत हुई है। अरे भाई, मैंने आपको बताया था ना कि पैलियोजोइक को प्रथम युग कहा जाता है, ठीक है, और मीसोजोइक को द्वितीय युग कहा जाता है, तो सीनोजोइक को क्या कहा जाएगा, तृतीय युग कहा जाएगा, और नियोजोइक जो अगला आएगा वो चतुर्थ युग कहा जाएगा। अच्छा, तृतीय युग होने की वजह से इंग्लिश में इसको टर्शियरी कहा जाता है, टर्शियरी युग कहा जाता है, टर्शियरी काल कहा जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। छूट गया तो ना पता चलता कि आप कंफ्यूज रहेंगे, अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया कि भाई तृतीय कालखंड किसको कहा जाता है, कंफ्यूजन में सर आता ही नहीं, पढ़े ही नहीं सर, आपने बताया ही नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, चलिए अच्छा कोई दिक्कत नहीं। अब ये आ गया प्लायोसीन, प्लायोसीन में दोस्तों क्या हुआ, दोस्तों जो एज ऑफ मैमल्स हम लोगों ने देखा शुरुआत में प्लायोसीन में, वो एज ऑफ मैमल्स धीरे-धीरे बढ़ रहे थे, भाई स्तनधारियों का विकास हो रहा था, तभी ना पुचहीन बंदर के बाद हमने देखा गिब्बन आ गया, हमने देखा हाथी, घोड़ा, गैंडा, ये सारे आ गए, ठीक है, उनके पूर्वज आ गए, बाद में वो भी आए, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पालतू जीव जंतु आ गए, कुत्ता, बिल्ली, भालू, ये सब आ गया, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जल में तैर वाले जीव आ गए, ठीक है, जैसे बत्तख आ गया, हंस आ गया, बकुला आ गया, ये सब आ गए, तो ये क्या, ये मैमल्स ही तो हैं, ये स्तनधारी ही तो हैं, स्तनधारी उन्हें कहा जाता है खास करके जो बच्चे देते हैं,
जो बच्चे देते हैं उनको स्तनधारी कहा जाता है, हम भी स्तनधारी हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, अरे हम बच्चे नहीं देते मतलब हमको भी स्तनधारी माना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा प्लायोसीन, तो प्लायोसीन में दोस्तों आधुनिक स्तनधारियों का विकास हुआ। क्या हुआ? आधुनिक स्तनधारियों का विकास, ठीक है, आधुनिक स्तनधारियों का विकास हुआ किस कालखंड में? तो प्लायोसीन में हुआ, ठीक है। एक पॉइंट तो आप याद रखेगा, जैसे हमने देखा ना कि हाथियों के पूर्वज थे, तो जो आज हाथियां हैं जिस टाइप की, उस टाइप के हाथियों को देखा गया कहां पर? इस प्लायोसीन पीरियड में। इसके अलावा जो हिमालय की बात कर रहे थे, एक बार बृहद बना, एक बार लघु मध्य बना, तो यहां पर भी चेंजिंग हुआ, यहां पर शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। शिवालिक हिमालय का निर्माण का काल किसे कहा जाता है? प्लायोसीन पीरियड को कहा जाता है। देख रहे हैं, पूरा का पूरा हिमालय ही सेनोजोइक एरा में बना हुआ, पूरा हिमालय सेनोजोइक एरा में बना हुआ, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों विशाल मैदानों का निर्माण भी इसी समय में हुआ, ठीक है, विशाल मैदानों का निर्माण भी इसी समय में हुआ, तो इनका निर्माण भी हुआ। इतना समझ में आ गया? अगर इतना आपने पढ़ लिया तो आज आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब भागिए मत, भागिए मत, अभी बहुत कुछ पढ़ाना है, ठीक है। हमारे यहाँ आएंगे तो पढ़ना इस उद्देश्य से है, ठीक है। तो आगे, अच्छा एक चीज मैंने अभी आपको कहा था कि हिमालय के बारे में स्पेशली मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ, क्योंकि भाई हिमालय से कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन बनता है। जैसे आपसे पूछ दे भाई बृहद हिमालय का निर्माण किस कालखंड में हुआ, या पूछ दे मध्य लघु हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, या आपसे पूछ दे शिवालिक हिमालय का कैसे हुआ, या फिर मैदानी हिस्सों का निर्माण कैसे हुआ, तो बताना पड़ेगा आपको ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इसको मिटाता हूँ और पूरी कहानी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों हुआ क्या है, एक घटना घटी, ठीक है। उस घटना के तहत क्या हुआ, आपको पता है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम लोगों ने देखा कि प्लेटें क्या करती हैं, ये गतिशील अवस्था में है। तो हुआ दोस्तों ये कि जो ये भारतीय प्लेट थी और जो इसके ऊपर उत्तर की तरफ जाएंगे तो यूरोपियन प्लेट है, ठीक है, यूरोपीय प्लेट है दोस्तों। इन दोनों प्लेटों में टक्कर हो गई। क्या हो गई? टक्कर हो गई। आप कहेंगे सर सच में टक्कर हो गया? हाँ, कोई झूठ बात नहीं है, ये मैं सच बता रहा हूं। ये टक्कर की मैं जो बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं पूरा का पूरा जो सेनोजोइक एरा अभी आपको पढ़ाया हूं उस सेनोजोइक एरा की बात करता हूं, ठीक है। आइए पूरा एकदम एक कहानी बनाकर आपको समझाता हूं। ये जो सीनोजोइक एरा पढ़ाया मैंने आपको, जिसमें टोटल पांच हिस्से में देखा गया हम लोगों चीजों को, एक पैलियोसीन देखा, मेरे साथ बोलिए पैलियोसीन देखा, ओलिगोसीन देखा, और क्या देखा? पैलियोसीन, ओलिगोसीन, नहीं गड़बड़ हो गया, पैलियोसीन ईओसीन, पैलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, पांच देखा। इन पांचों को किसमें रखा गया है? इस सेनोजोइक एरा में रखा गया है दोस्तों। इस सेनोजोइक एरा की अगर हम बात करें तो पूरे हिमालय पर्वत के निर्माण का काल इसी को कहा जाता है, ठीक है। हिमालय पर्वत, पर्वत के निर्माण का काल, ठीक है, पर्वत के निर्माण का काल किसको कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है सेनोजोइक ईरा को। अब कैसे हुआ निर्माण, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हुआ क्या, मैंने आपको पहला पॉइंट यहां पे बताया कि जो भारतीय प्लेट थी, जो भारतीय प्लेट थी उसकी टक्कर हो गई। क्या हो गई? टक्कर हो गई। किससे टक्कर हो गई? तो यूरोपीय प्लेट से टक्कर हो गई। अच्छा, अगर दो प्लेटों में टक्कर होती है, मैंने आपको पढ़ाया था, ऐसा कब होता है? जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आएंगी, मतलब यहाँ पे कौन सा बल कार्य कर रहा है, कौन सी गति हो रही है? तो आप कहेंगे सर अभी सारी गति हो रही है, प्लेटों के बीच में कौन सी गति हो रही है? अभी सारी गति हो रही है, ठीक है। और अभी सारी गति होगा, दो प्लेटों की टक्कर होगी, कोई प्लेट नीचे जाएगी, कोई प्लेट ऊपर जाएगी, ठीक है। यानी टक्कर हुआ, और टक्कर होने के बाद याद रखिए संपीड़न बल यहां पे लगा। क्या हुआ? संपीड़न बल। दोस्तों संपीड़न बल की वजह से तो ऐसा हो रहा है, संपीड़न बल लगा, और उस संपीड़न बल से इन दोनों के बीच में जो सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर, ठीक है, टेथिस सागर, ठीक है, ये मलबों से भर चुका था। क्या हो चुका था? ये मलबों से भर चुका था, मलबों से भर चुका था, ठीक है। और टक्कर होने के बाद जो थोड़ा बहुत भी बचा था वो खिसक गया चारों तरफ। और यहाँ पर दोस्तों एक बात याद रखिए, यहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। क्या हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय के निर्माण के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि भारतीय प्लेट और यूरोपियन प्लेटों की टक्कर हुई है, और ये टक्कर सेनोजोइक एरा हुई है।
टक्कर में संपीड़न बल की वजह से टेथी सागर जो मलबों से भर चुका था वो विलुप्त हो गया, वो समाप्त हो गया और यहाँ पर हिमालय पर्वत जो है हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, अब हमने देखा, अब एक एक कालखंड की बात बताता हूँ दोस्तों। मैंने आपको सीनोजोइक एरा में पढ़ाया, पहला वाला मैंने पढ़ाया आपको पैलियोसीन एरा के बारे में, ठीक है, सॉरी पैलियोसीन पीरियड के बारे में। दो पीरियड एक साथ रखेगा, एक पैलियोसीन और एक ईओसीन दोस्तों, इन दोनों को मिला करके बता रहा हूँ, सुनिएगा। पैलियोसीन और ईओसीन ये दोनों समय में ये काम हुआ, ये जो घटना घटी है दोस्तों, हिमालय के निर्माण वाली टेथी सागर का समाप्त होना और हिमालय की उत्पत्ति होना, ये स्पेशली किस समय में टक्कर हुआ अगर आपसे पूछे तो आप पहले बताइए सेनोजोइक एरा में। अगर कोई इसके अंदर जाना चाहता है तो आप बताइए कि पैलियोसीन और ईओसीन एरा में यह निर्माण प्रक्रिया हुई। और यहां पर याद रखिए ITSZ, अब कहेंगे सर ITSZ ये क्या आ गया, ठीक है, ITSZ का ही तो निर्माण हुआ, ये टक्कर जो हुआ ना, इसके बाद हिमालय भूल जाइए, हिमालय बहुत बड़ा है, हिमालय में याद रखिए ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, इन सभी को शामिल करके हिमालय कहा जाता है। हिमालय कोई एक नहीं है, हिमालय किसी एक चीज को नहीं कहा जाता है, इन चारों पांचों चीजों को मिलाकर के नाम दिया जाता है हिमालय पर्वत। ठीक है, तो हिमालय पर्वत उनको नाम दिया जाता है। ये जो टक्कर के बाद टेथी सागर हटा, मलबा हटा और वहां पर जो पर्वत निर्माण की प्रक्रिया हुई, एक्चुअली में इसको नाम दिया गया ITSZ। दोस्तों ये ITSZ क्या है, सुनिए, आई माने होता है इंडस, आई माने क्या होता है इंडस होता है, टी माने क्या होता है, एक्चुअली में टी साइलेंट होता है, इसको लिखना चाहिए सांगपो, क्या होता है सांगपो, ठीक है, इंडस सांगपो, सांगपो में टी लगा होता है इसलिए इसको टी कहा गया। सचर, SATURE, सचर जोन, ठीक है, तो याद रखिए ITSZ का निर्माण हुआ। दोस्तों कुल मिला जुला करके कहने का मतलब ये है वलन की प्रक्रिया शुरू हुई, क्या हुई, वलन की प्रक्रिया पे शुरू हुई। और वलन मैंने आपको बताया था कि दोस्तों एक पेज ले लीजिए, इस पेज को ऐसे फोल्ड करिए, मतलब दोनों ओर से दबाव बनाइए, पेज के बीच का हिस्सा उठ जाएगा और यही क्या, यही वलन है। तो जब ये दोनों प्लेटों का टक्कर हुआ, ठीक है, तो याद रखिए ये कुछ इस तरह का आकार बन गया, ठीक है, इस तरह का आकार बन गया, और ये जो उठा हिस्सा ना, इसी को नाम दिया गया ITSZ का, क्या नाम दिया गया ITSZ, और इसी प्रक्रिया के तहत दोस्तों ट्रांस हिमालय का निर्माण माना जाता है। हिमालय में किसका निर्माण, तो याद रखिएगा ट्रांस हिमालय, कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय। दोस्तों जो बृहद हिमालय होता है ना, बृहद हिमालय के और उत्तर में चले जाओ, उसके और उत्तर में जो जगह होता है वो एक ट्रांस हिमालय होता है, ठीक है, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय का निर्माण कब हुआ है, इस पैलियोसीन और ईओसीन पीरियड में हुआ है। समझ में आ रहा है, थोड़ी सी बड़ी कहानी हो गई, कंफ्यूज मत होइए, इत्मीनान से सोचेंगे, अरे मैंने क्या आपको बता दिया, मैंने कहा मैं आंख बंद करके से, मैंने कहा आप ऐसे बोलो हिमालय पर्वत के निर्माण के बारे में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, और हिमालय पर्वत का पूरा निर्माण, हिमालय कोई एक तो है नहीं भाई, उसमें ट्रांस हिमालय है, बृहद हिमालय है, लघु मध्य हिमालय है, शिवालिक हिमालय है, साथ में मैदानों का भी हिस्सा है, ये पूरा हिमालय कहा जाता है। ये जो हिमालय है ये किस कालखंड में बना, तो हमने कहा सीनोजोइक एरा में बना। अगर कोई उसके अंदर जाना चाह रहा है तो आप क्या बताएंगे, आप उनसे कहिए कि सीनोजोइक एरिया में स्टार्टिंग का तो जो पीरियड है, एक पैलियोसीन दूसरा ईओसीन, पैलियोसीन ईओसीन में क्या हुआ, इस पीरियड में भारतीय प्लेट की टक्कर यूरोपीय प्लेट से हो गई और उस दौरान संपीड़न बल की वजह से क्या हो गया, जो टेथिस सागर था जो मलबे से भर चुका था उसमें वलन की प्रक्रिया हुई और वो हिमालय पर्वत के रूप में तब्दील हो गया। एक्चुअली में जो वलन बना इसी को नाम दिया जाता है ITSZ, ठीक है, ITSZ मतलब इंडस सांगपो सचर जोन, ये नाम दिया जाता है और इसी को हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। आँख खोल दो, समझ में आ रहा है, आँख खोल दो यार, सब नीला नीला दिख रहा है, ठीक है, ऐसे याद करते हैं एकदम, सब माइंड में ऐसे लिखा होना चाहिए, सब आँख बंद करो, सब फटाफट लिख जाना चाहिए मेरे को, हम कैसे आपको पढ़ाते हैं पता है, ये जब मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, सब आँख के सामने ऐसे लिख जाता है, ऐसे एकदम इत्मीनान से पढ़ो, ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं, इसको हटाता हूँ आगे पढ़ाता हूँ, पहले ईओसीन तक देख लिया हूँ। अगला टाइम क्या आएगा दोस्तों, अगला टाइम आएगा ओलिगोसीन, ठीक है, ओलिगोसीन में क्या होता है, अब हिमालय का अगला फेज आता है यहाँ पर, ठीक है,
ट्रांस हिमालय बन चुका है, ओलिगोसीन आ चुका है। अब यहाँ पे नोट करते हैं दोस्तों, ठीक है, ये पॉइंट नंबर थ्री में था क्योंकि दो पॉइंट तक हम लोगों ने पढ़ लिया। ओलिगोसीन के बारे में देखते हैं, ओलिगोसीन, ठीक है। अब देखिए ओलिगोसीन में क्या होगा दोस्तों, ये जो ओलिगोसीन पीरियड था ना, इसमें वलन की प्रक्रिया फिर से हुई, और यहां पर जब वलन होता है तो याद रखिएगा बृहद हिमालय का निर्माण हुआ है। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, ऐसे ऐसे देखिए, ये ऐसे ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय, इसको आपने नाम दे दिया क्या ITSZ का, और यहीं पर लिख दिया ट्रांस हिमालय, ठीक है। फिर दोबारा वलन हुआ और ऐसे बना, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे मान लो सपोज करो ऐसे था, अब इधर से झटका लग रहा है, इधर से भी झटका लग रहा है, तो ये वाला हिस्सा मूव करेगा ना, ऐसे मूव करेगा ना, तो ऐसे मूव कर गया, समझ रहे हो। और इस तरह से क्या हो गया, यहां पर क्या बन गया, यहां पर बृहद हिमालय का निर्माण हो गया। कौन सा हिमालय बन गया, बृहद हिमालय का निर्माण हो गया। और पीरियड क्या चल रहा है, ओलिगोसीन चल रहा है, और इसी ओलिगोसीन में बृहद निर्माण की जो प्रक्रिया थी, इसी को नाम दिया गया MCT का। क्या नाम दिया गया, जैसे यहां पर ITSZ का नाम दिए थे, उसी तरह से इसको नाम दिया गया MCT का, ठीक है। अभी MCT क्या होता है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, तो यहां नोट कर देता हूं, ठीक है। MCT को कहा जाता है, यम माने होता है मेन, दिख रहा है कि नहीं आपको, मेन, सी माने होता है सेंट्रल, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, क्या बोलते हैं, थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसी के तहत दोस्तों किसका निर्माण हुआ है, ये बृहद हिमालय का निर्माण हुआ है। और किस पीरियड में हुआ है, तो आप बताइए कि ओलिगोसीन में हुआ है। अच्छा, ओलिगोसीन हो गया, चौथे नंबर पे कौन सा पीरियड आया, चौथे नंबर पे दोस्तों हम लोगों को पढ़ना था मायोसीन के बारे में, यही पढ़ना है ना, मायोसीन। दोस्तों ये जो मायोसीन पीरियड आया ना, फिर से इसमें वलन पड़ा, भाई दबाव बनी रहा था इधर से, और फिर से इसमें वलन पड़ा, और फिर एक ऐसे खड़ा हो गया ऐसे करके, ठीक है, और ये बन गया। और इसको दोस्तों हम लोगों ने नाम दिया, थोड़ा सा छोटा था इस वाले से, थोड़ा सा छोटा था, ठीक है, और इसको हमने नाम दिया मध्य या लघु हिमालय का। क्या नाम दिया, मध्य या लघु हिमालय का नाम दिया। और मध्य या लघु हिमालय किस समय में बना है, ये मायोसीन में बना है, ठीक है। और इसको नाम दिया गया MBF का। क्या नाम दिया गया, जैसे पहले वाले को नाम दिया गया ITSZ का, दूसरे वाले को नाम दिया गया MCT का, तीसरे वाले को नाम दिया गया MBF का, ठीक है, यानी मेरा बॉयफ्रेंड, ठीक है। MBF माने क्या हो जाता है, मेरा मतलब मेन, ठीक है। अब बी माने क्या होता है, बॉयफ्रेंड नहीं बाउंड्री, मेन बाउंड्री। और एफ माने फ्रेंड नहीं फॉल्ट, क्या होता है फॉल्ट, ठीक है। तो याद रखिए मेन बाउंड्री फॉल्ट क्या हुआ, यहां पर हुआ मेन बाउंड्री फॉल्ट, और इसके तहत मध्य या लघु हिमालय का निर्माण मायोसीन पीरियड में हुआ है। समझ में आ रहा है आपको, एकदम इत्मीनान से पढ़ते जाए, ठीक है। MCT, MBF, ये चार हो गए। पांचवा दोस्तों हम लोगों को पढ़ना बाकी है, यहीं पे पढ़ा देता हूं। फिर से वलन की प्रक्रिया हुई, एक छोटा सा और बन गया यहां पर, ठीक है। और उस पांचवें का नाम क्या था, अब हम लोगों को पढ़ना था प्लायोसीन के बारे में, ठीक है। और हमने पढ़ा प्लायोसीन में दोस्तों कौन सा निर्माण होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको पढ़ाया था शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ था प्लायोसीन पीरियड में, तो प्लायोसीन पीरियड हो गया। और इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसका नाम पड़ा HFF, क्या नाम पड़ा, HFF माने क्या होता है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। क्या होता है HFF माने, यहां पर नोट कर दे रहा हूं, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ठीक है। फॉल्ट माने होता है वही वलन, ठीक है, फॉल्ट को वलन ही बोलते हैं, ठीक है। तो HFF, इसके तहत दोस्तों शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। और अंत में जाकर के दोस्तों इसी समय में ये मैदानों का निर्माण भी हुआ। यहाँ क्या है, उत्तरी भाग में जो मैदान पड़ते हैं, उन मैदानों का निर्माण भी किस समय में हुआ, ये प्लायोसीन में ही हुआ है, ठीक है। तो आज का टॉपिक बस इतना ही करते हैं, और ज़्यादा पढ़ा देंगे तो पता चला कि कई लोग तो सोचेंगे सर पता नहीं कितना एडवांस लेके चल रहे हैं, आता जाता कुछ है नहीं, बस पढ़ाते जा रहे हैं। सोचो आप खाली कि आपको कोई फी नहीं देना है, और बिना फी में अगर इतनी क्वालिटी वाली पढ़ाई आपको मिल जाए घर बैठे, और उसके बाद भी अगर आपको सिलेक्शन ना हो, अगर आपका सिलेक्शन ना हो, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। सीधा सुनो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, जीने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको सब कुछ मिल रहा है, पहले क्या था कि आप हमेशा टाल देते थे, अरे बहुत काम है घर पे, पढ़ नहीं पाता हूँ, समय नहीं मिल पाता है, और कोचिंग भी तो नहीं है, घर वाले पढ़ने नहीं दे रहे हैं। अभी तो सब कुछ है, आप घर का काम खत्म करो ना, 10 घंटे घर का काम करो, दिन में 24 घंटे होते हैं, 10 घंटे घर का काम करो, 14 घंटे तो भी बढ़ते हैं, 4 घंटे 6 घंटे सो तो भी तुम्हारे पास 8 घंटे पड़ते हैं, और 8 घंटे जो बच रहे हैं उसमें अपनी पढ़ाई करो। पढ़ाई करने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं चलता है, ठीक है। अगर एक्सक्यूज ही
दिया होता मोदी जी ने या अब्दुल कलाम जी ने या फिर बड़े बड़े लोगों ने, तो आज इतने आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, तो एक्सक्यूज मत दीजिए, एक्सक्यूज देके आप अपनी लाइफ खराब करोगे। आपको सब कुछ मिल रहा है, इतनी क्वालिटी एजुकेशन अगर आपको मिल रहा है और इसके बाद भी आप एग्जाम में क्वालिफाई कर पाओ तो बहुत खराब है दोस्तों। इससे ज्यादा आपको कभी जिंदगी में कुछ मिल नहीं सकता। ठीक है, इसी चीज के लिए लोग पैसे खर्च करते हैं। अच्छा, ये भी मैंने देखा है, जब लोग पैसे खर्च करते हैं तो लोग पढ़ते भी हैं। ठीक है, मैं सोचता हूं कि यार मैं पैसे न लूं आपसे, मैं चाहूं इसका टैबलेट कोर्स बना के लाखों करोड़ों कमा सकता हूं, लोग नहीं कमा रहे हैं। मैं सोचता हूं यार कि सबको शिक्षा मिले, क्या जरूरत है यार, मेरा काम धाम चल रहा है। ठीक है, क्या हो गया अगर मैं रोज यही शर्ट पहन के चलाऊंगा, मेरा क्या चला जाएगा बताओ, 500-600 की शर्ट पे जरूरी है? अच्छा, ज्यादा कमाएगा इंसान तो क्या करेगा, अपने ऊपर खर्च करेगा। ठीक है, राडो की घड़ी ले लेगा, रिबन का चश्मा ले लेगा, ये नहीं करेगा। ठीक है, फिर उसका बाल जो है नॉर्मल सैलून में नहीं बनेगा, हाई स्टैंडर्ड में जाएगा। ठीक है, एसी में रहना शुरू करेगा। ठीक है, ये सारा गाड़ी पे खर्च करेगा, कपड़े पे खर्च करेगा, ये करेगा ना। मैं वो सारा चीज नहीं करता हूं, मैं सामान्य बने रहना चाहता हूं। सोचता हूं कि अगर मेरे सामान्य बने रहने से कुछ लोगों का फायदा हो जाता, कुछ नहीं बहुत लोगों का फायदा हो जा रहा है, अगर हो जाता तो मैं सामान्य से क्या मतलब ये सब करने का। तो अगर मैं टैबलेट कोर्स नहीं निकाल रहा हूं, मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा हूं, तो आप समझो मेरे भैया हाथ जोड़ रहा हूं, पढ़ो 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 पढ़ो, सिलेक्शन लो, आगे बढ़ो, इतना ही चाहता हूं। आपको आगे बढ़ाने के लिए मैं मर रहा हूं, दिन रात मैं मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, अगर अब भी नहीं बढ़े तो कब बढ़ोगे। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।